अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो है पौधों की थोड़ी सी डस्टिंग कर रही थी, मतलब ये लीव्स होते हैं ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सी धूल आ जाती है और एक एक लीव्स को कपड़े से साफ़ करना मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। तो इस तरीके से मैं पानी स्प्रे कर देती हूँ जिससे सारी जो डस्ट होती है वो निकल जाती है और हमारे लीव्स बहुत अच्छे चहकने महकने लगते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं। देखिए यहाँ पर कितना फ्रेशनेस में आ जाता है। तो इस तरीके से मैं इनके लीव्स को साफ़ करती हूँ और ये आउटिंग बाहर भी मैंने रखा है तो थोड़ी सी धूल इनके ऊपर आ ही जाती है। और कितना भी आप घर में भी, मेरे पास एक है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल आती है, पता नहीं घर के अंदर दरवाज़ों से निकलकर कहाँ से धूल आ जाती है, लेकिन आ जाती है। तो जी अब हम जो है थोड़ी सी बात करते हैं साइनापी पर। साइनापी के हो गए 50K सब्सक्राइबर, जिसके लिए उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और बहुत ज़्यादा खुशी भी। अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा खुशियाँ दे और आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े और आप ऐसे ही कामयाब रहो अपनी ज़िंदगी में। और जहाँ कहाँ खुशी शुरू होती है वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं रंग में भंग डालने, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो जो बाजी जी के जो चमचियाँ हैं या अंधभक्त हैं जो भी है वो आ गए और सेनापति से कहा कि आप जो 50K सब्सक्राइबर्स बनाई हो वो उनकी बदौलत है, बाजी की बदौलत है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम रेगुलर जो है साइना जी के व्लॉग्स देखते हैं, उनके हर व्लॉग में कोई ना कोई मैसेज होता है या कोई ना कोई चीज़ वो हमें सिखाती हैं। और जिस तरीके से वो काम करती रहती हैं और उनके बच्चों की जो उन्होंने तरबियत की है माशाल्लाह से, जितना हम व्लॉगिंग में देखते हैं उस मुताबिक मैं बता रही हूँ। बहुत वो हमें हर व्लॉग में एक रेसिपी तो ज़रूर हमें सिखाती हैं और बच्चों की तरबियत भी उन्होंने माशाल्लाह से। अभी मैंने पिछले व्लॉग में देखा था कि अली जो उनका बेटा है वो खुद से अपने कपड़े जो है फोल्ड कर रहा था। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें ना बड़े हो के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम आती हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम बाजी जी पे, जिनके अंधभक्त या चमचे आकर साइना बाजी को इस तरीके से बोल रहे हैं। ज़रा वहाँ पर भी आप देख लीजिए कि क्या मंज़र चल रहा है, घर में कुरान कहानी चल रही है और बाजी जी वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसमें उन्हें खुद पढ़ना था, जो भी पारे हैं उनको खुद को दिल से पढ़ना था, जितना इंसान अपने लिए दुआ अच्छे से कर सकता है। हाँ, वो भी बात है कि मासूम बच्चों की दुआएं पढ़ाई सब कुछ कबूल होती है, अल्लाह ताला कबूल करे। हम भी दुआ करेंगे जो भी आपकी कुरान खानी है या आपका जो भी घर बन रहा है, अल्लाह ताला उसमें बहुत सारा अच्छे से आपका काम बने और बहुत अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी गुजारो, ये बात अलग है। लेकिन घर में कुरान खानी हो रही है और बाजी जी को देखो मार्केटें फिर रही है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अलग लगी। जब हम घर में कुरान खानी करते हैं तो जो भी घर की बड़ी औरत होती है, आसिफा बाजी की अम्मी नहीं है अगर होती तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आसिफा बाजी के खुद के घर के लिए यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, लेकिन आसिफा बाजी है ना वो मार्केट में घूम रही है, ऐसा मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनको चाहिए था कि खुद भी थोड़ा सा पढ़े, दुआएँ करें। और ये चीज़ मुझे सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई कि हाँ, वो बात अलग है, टाइल्स चूज़ करना है, नल के टैप्स, वो सारी चीज़ें होती है, डेकोरेट आइटम चूज़ करना है तो लेडीज़ चली जाती हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग है काम का, तो अभी तो यहाँ पर ईंट बालू और सीमेंट ऐसी चीज़ें लगेंगी, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए आसिफा बाजी यहाँ पर की कुरान खानी छोड़ कर मार्केट घूमने निकल गई, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये मेरी बात कैसी लगी। तो अभी मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।